हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? चलिए आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 के एक्सरसाइज नंबर 2.3 के क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन लेके आए हैं। देखिए, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने पहले भी कर चुका है, लेकिन इस क्वेश्चन में ज्यादातर स्टूडेंट कहीं ना कहीं जाकर के कुछ गलत कर देते हैं और ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव लेवल में भी आता है। ठीक है, इसीलिए इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है मैं दोबारा लेके आया हूं। तो क्वेश्चन क्या देख रखा आपके सामने कि एक नाव धारा की दिशा में एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में 9 घंटे लगाते हैं। धारा के विपरीत दिशा में यही दूरी 10 घंटे में पूरा करते हैं। यदि धारा में तो कैसे दिया है, यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल एवं दोनों घाटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। समझ में? तो देखिए, पहले क्वेश्चन को आप सही तरीके से पढ़िए, उसके बाद उसको समझ करके देखिए कि आपको क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है और क्या निकालना है। ठीक है, आपको क्या दिया है कि एक नाव धारा की दिशा में एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में 9 घंटे लगाती है, यानी कोई बहती हुई पानी है। आप देखे होंगे, है ना, कि पानी जैसे हो गया गंगा नदी, है ना, ब्रह्मपुत्र, तो ये सब नदी में पानी क्या होती है कि बहती है, बहती रहती है। तो आप मान लीजिए कि पानी जो है ये इधर से ऐसे बहती है ना, तो इधर से ऐसे बहती है ये पानी, इसका मतलब यही हो गया धारा की दिशा। ठीक है, पानी उधर बहती है तो यही क्या हो गया, धारा की दिशा। ठीक है, और इसका ऑपोजिट साइड क्या हो गया, इसकी विपरीत दिशा। अब अगर मान लीजिए पानी इधर से बहती है और एक घाट ये हो गया, एक घाट ये हो गया, ठीक है, तो एक घाट से दूसरे घाट तक जाने, है ना, एक शांत जल में नाव की चाल और दोनों घाट के बीच की दूरी, ये भी निकालना है। समझ में आया? तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, धारा के विपरीत दिशा में यही दूरी 10 घंटे में पूरी करती है। अगर हम इसको बोलते हैं कि धारा की दिशा, है ना, ये वाला हो गया धारा की दिशा। मान लीजिए आप कोई नाव है इस तरह से, ये धारा की दिशा में ऐसे करके बह रही है, तो ये कितना समय ले रहा है, 9 आवर, 9 घंटा, है कि नहीं। लेकिन यही अगर विपरीत दिशा में चल रहा है तो ये कितना समय ले रहा है, 10 घंटा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं कि पानी ठहरा हुआ रहने पर जो नाव चल रही है वो एक्स किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रही है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, माना कि शांत जल में नाव की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, ये हम लोग मान लिए। अब दिमाग लगाइए, अगर पानी ठहरा हुआ रहे तो नाव की चाल क्या है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आगे और एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ये जो पानी बह रही है ये इस कितना स्पीड से बह रही है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, है कि नहीं। तो दिमाग लगाइए कि इस नाव को, ये नाव की चाल क्या होगा अगर बहती हुई पानी में बहाया जाए, तो ऑब्वियसली बात है कि इस ये अगर 1 किलोमीटर प्रति घंटा से बह रही है खुद से शांत जल में, तो पानी भी तो इसको बहा के ले जा रहा है, क्योंकि पानी 1 किलोमीटर प्रति घंटा से बह रही है, तो इसका नाव का स्पीड क्या हो जाएगा धारा की दिशा में, 1 प्लस 1 किलोमीटर प्रति घंटा। इसीलिए हम लोग क्या कर लेंगे, धारा की चाल में, धारा की दिशा में, सॉरी
धारा की दिशा में नाव की चाल बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 1 किलोमीटर प्रति घंटा होगा कि नहीं। अब देखिए आपको यहां पर क्या देके रखा है कि अगर धारा की दिशा में, धारा की दिशा में वो कितना समय लेता है, 9 घंटा समय लेता है, तो यहां से हम लोग दूरी निकाल लेते हैं, है ना। और समय देके रखा है 9 घंटा, इसीलिए दूरी बराबर क्या हो जाएगा, तो दूरी बराबर फॉर्मूला पढ़े होंगे आप, चाल गुना समय, ये ना पढ़े हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुना समय। यानी चाल है x प्लस 1 किलोमीटर प्रति घंटा और समय ये कितना ले रहा, 9 घंटा। तो दूरी कितना हो गया, x प्लस 1 इंटू 9 किलोमीटर, है कि नहीं। लेकिन ये कौन सा दूरी है, दोनों घाटों के बीच की दूरी है कि नहीं। अब देखिए हम लोग क्या कर लेते हैं, इसके विपरीत दिशा वाला ले लेते हैं। अगेन धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल अच्छा दिमाग लगाइए क्या होगा धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल। अब एक बात दिमाग लगाइए कि देखिए पानी तो इधर बह रही है, अब नाव अगर उधर से इधर आना चाहे तो शांत जल में वो x किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से बह रही है, लेकिन ये इधर आएगी, लेकिन वो जो धारा बह रही है तो वो भी उसको कुछ ना कुछ बहा के लेके जाएगी, है कि नहीं। तो बहा के जब लेके जाएगी इसका मतलब उसका स्पीड कम होगा, तो कम होगा कितना कम होगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से कम होगा, यानी उसका स्पीड क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1 किलोमीटर पर आवर, है कि नहीं। अब इसमें समय कितना ले रहा, समय कितना ले रहा धारा की विपरीत दिशा में, पता होगा क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 10 घंटा। तो समय बराबर अगर 10 घंटा दिया हुआ है तो दूरी क्या हो जाएगा बताइए, x माइनस 1 गुना 10 होगा कि नहीं, है ना। अब देखिए दोनों ही कंडीशन में जो दूरी है वो बराबर है, क्योंकि दोनों घाट के बीच की दूरी है कि नहीं। यहां पर x प्लस 1 इंटू 9 या x माइनस 1 इंटू 10 दोनों तो बराबर ही है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से x प्लस 1 इंटू 9 बराबर x माइनस 1 इंटू 10 इतना लिख सकते हैं ना, क्योंकि दोनों घाट के बीच की दूरी है। अब यहां से हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9x और प्लस क्या हो जाएगा, 9 इंटू 1 9, और इधर क्या हो जाएगा, 10 इंटू x 10x और माइनस 10। हम लोग यहां से x का मान निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए इस x को इधर लेके आइए, थोड़ा सा ऊपर लिख दिया जाए, क्यों नहीं सर लिख दीजिए, ऊपर से मिटा देते हैं ना, ये वाला दिख रहा है आपको, गड़बड़ दिख रहा ना, इसको ऊपर ले देते हैं, ये वाला तो दिख रहा होगा क्लियर, है ना। तो यहां से लिख लेते हैं क्या हो जाएगा, 9x और प्लस 9, और इधर क्या हो जाएगा, 10x माइनस 10। अब x का मान निकाल लीजिए, ये 10x को इधर लाइए, क्या हो जाएगा, 9x माइनस 10x, है ना, और बराबर माइनस 10, और ये प्लस 9 उधर लेके जाइएगा तो माइनस 9। अच्छा 9x माइनस 10x कितना हुआ, कितना होगा,
माइनस एक्स होगा, है कि नहीं। यहां से क्या हो जाएगा, माइनस एक्स, और ये कितना हो जाएगा, माइनस उन्नीस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। इसका मतलब शांत जल में नाव की चाल क्या है, 19 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। शांत जल में नाव की चाल 19 किलोमीटर प्रति घंटा, इसीलिए शांत जल में नाव की चाल बराबर 19 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या बोल रहा है कि दोनों घाटों के बीच की दूरी, है ना। तो दोनों घाटों के बीच की दूरी निकालने के लिए आप किसी भी दोनों इक्वेशन में दूरी वाला जो था, एक क्या था, 9x 10x माइनस 1 इंटू वो x माइनस 1 इंटू 9 था, एक्स प्लस 1 इंटू 9, है ना, जो भी था। और एक क्या था, एक्स माइनस 1 इंटू 10, ये वाला, है ना, एक्स प्लस 1 इंटू 9 और एक एक्स माइनस 10, 1 इंटू 10, है ना। तो उसमें निकालने, उसमें बैठा दीजिए, इसीलिए दूरी बराबर क्या हो जाएगा। तो हम पहला वाला ले लेते हैं, क्या था, एक्स प्लस 1 इंटू 9, और x की जगह में क्या बैठाइएगा, 19 प्लस 1 गुना 9, तो 19 एक 20 गुना 9, 9 दुना 18, 180 किलोमीटर, है ना। दोनों घाटों के बीच की दूरी कितना हो गया, 180 किलोमीटर, और जो शांत जल में नाव की चाल है वो क्या है, 19 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया।